दुख लीला में माँ बांधना चाहती है, लेकिन नारद के वचनों के उद्धार के लिए नलकूबर के लिए, नलकूबर यानी मणिग्रीव, नलकूबर के लिए नारद जी के द्वारा श्राप मिला था कुबेर पुत्रों को। बद्रिकाश्रम में वो मद्यपान कर रहे थे, नारद को अच्छा नहीं लगा। नारद ने कहा ये सारी बातें अच्छी हैं लेकिन बद्रिकाश्रम में मद्यपान नहीं हो सकता, ये मेरा है, नारद क्षेत्र है, ये पूरा मेरा क्षेत्र है, इस नारद क्षेत्र में मद्य नहीं हो सकता, ये मेरी टेरिटरी में नहीं, मद्यपान नहीं कर सकते। कुबेर पुत्र हठी थे, उन्होंने कहा अरे कमाल है, हम कुबेर के बेटे हैं, अलकापुरी का वो स्वामी है, हम यहाँ के राजा हैं, हम अलकापुरी के स्वामी, हमारा जो पिता है राजा है कुबेर, अलकापुरी का देवता है, वो यहाँ का स्वामी है, हम उसके पुत्र हैं। पर नारद ने कहा ये मेरा क्षेत्र भी है, अलकापुरी वहां से आरंभ होती है, अलकापुरी यह नहीं है माणा गांव के ऊपर से भीम पुल पार करके तुम्हारा एरिया है, यहाँ नहीं है, वहां करो जो कुछ करना है, ये नहीं है। झगड़ा हो गया इस बात पर, बोले नारद क्षेत्र है ये नारद क्षेत्र, केदारखंड जो बद्रिकाश्रम है वो केदारखंड में आता है, केदारखंड बद्रिकाश्रम तक है, केदारखंड नरनारायण के पर्वत मध्य नारद क्षेत्र, वो मुनियों का क्षेत्र है, वो महात्माओं की जगह है, संतों की जगह है, ऋषि मुनियों की, तपस्या में बाधा ना आए कोई। देखो यहां मद्यपान नहीं कर सकते, लेकिन वो कुबेर पुत्र थे हठ, अब बड़े कई बार परिवारों के बच्चे अभिमानी हो जाते हैं जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ पेड़ बन जाओ, स्थावर बन जाओ, जड़ बन जाओ, वृक्ष बनकर भी आपको शीत लगे, वृक्ष बनकर भी बारिश में भीगते रहें आप, वृक्ष बनकर भी आप ग्रीष्म में झुलसते रहें, इस पवित्रता को भंग नहीं कर सकते आप। बेचारे भयभीत हो गए, गिर पड़े चरणों में, बोले महाराज हम सच में भूल गए थे, इस मदिरा ने उन्मत्त कर दिया, हम आपकी महिमा नहीं समझ पाए। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। नारद जी ने कहा देखिए क्रोध में ऐसा होता ही है, अब मुझे भी तो क्रोध नहीं करना चाहिए था, कुबेर पुत्र उनसे क्षमा मांग रहे हैं, हमसे भूल हो गई, नारद जी भी कह रहे हैं मुझसे भी भूल हो गई, मुझे आवेश में इतना बड़ा श्राप नहीं देना चाहिए आपको, लेकिन अब मेरे मुंह से श्राप निकल गया है, अब ये इसमें थोड़ा विलंब होगा इसे ठीक करने में, बोले अब मेरे बस का रहा नहीं, मृषा न होए देव ऋषि भाखा, मैं देव ऋषि हूं, मैं देवताओं का ऋषि हूं, मैं ब्रह्मा से प्रकट हुआ हूं, मैं आदि पुरुष हूं, द्वादश दर्शनाचार्य हूं, मैं भगवान की साकार सत्ता हूं, अब मेरे बस का रहा नहीं आपके श्राप को मिटाना। मणिग्रीव और नलकूबर ने प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान ये कैसे दूर होगा, तो उन्होंने कहा कि द्वापर में यशोदा के आंगन में आप वहां के वृक्ष बनोगे और भगवान आपको मुक्त कर देंगे, भगवान मुक्त करेंगे आपको, तब तक तो करना ही पड़ेगा, लेकिन शीत नहीं रहेगा, गर्मी नहीं रहेगी, विचलित नहीं रहोगे, व्याकुल नहीं रहोगे, आपको कुछ सुधबुद्ध भी नहीं रहेगी, पेड़ ही बने रहोगे, इतना तो मैं कर सकता हूं, वृक्ष ही बने रहोगे। और ये मैं आपसे प्रार्थना करना चाह रहा था, मुझे नहीं पता आप कितना इस बात को ग्रहण कर पाएंगे, लेकिन प्रातःकाल सबसे पहले वृक्षों की पूजा करो, उसी से देव प्रसन्न होते हैं, उसे पाप हरण होता है, वो श्राप का हरण करते हैं, दारिद्र का हरण करते हैं, इसलिए हमारे पीपल की पूजा बताई है, वट की पूजा बताई है, आंवले की पूजा बताई है, तुलसी को जल देने की बात कही है, वृक्षों को जल देने की बात कही है, पाद पल्लव तक पहुंचने की बात कही है, सबसे पहले दूर्वा अंकुरों के चयन की बात कही गई है, सवेरे उठकर दूर्वा अंकुरों का चयन करो, दूर्वा अंकुर यानी दूब, ये घास के तिनके, यद्यपि दूर्वा लक्ष्मी को नहीं चढ़ती, दुर्गा को दूब नहीं चढ़ती, दूर्वा दुर्गा को नहीं चढ़ेगी कभी भी, सूर्य को बिलपत्र नहीं चढ़ता है कभी भी, नारायण को अक्षत नहीं चढ़ते, तिल चढ़ता है,
लेकिन दुर्वांकुरों पर लक्ष्मी रहती है। दुर्वांकुरों के ऊपर जो एक ओश कणों में एक स्वर्णिम आभा जो रहती है वो लक्ष्मी की है। गोबर में लक्ष्मी रहती है, जो श्वेत झिल्लिका है श्लेषा उसकी।